कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव का आंकड़ा 1400 के पार पहुंचा, तो वही 16 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना कहर बनकर फूट पड़ा है। बीते दिनों में कभी कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़त हो रही है तो वही कभी कमी नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो मृत्यु के आंकड़ों में भी कभी बढ़त तो कभी कमी नजर आ रही है। आज की कोरोना अपडेट पर नजर डाली जाए तो जिले में पिछले 24 घंटों में 743 लोगों ने कोरोना पर मात की है, तो वही पॉजिटिव का आंकड़ा देखा जाए तो 1425 पॉजिटिव नए से सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल बाधितों की संख्या 44,869 पर पहुंची है। साथ ही शुरुआत से लेकर अब तक ठीक होने वालों की संख्या 32,024 हुई है। हाल में 12,207 बाधितों पर उपचार शुरू है। अब तक 3,37,064 नमूनों की जांच की गई है। इनमें से 2,85,107 नमूने निगेटिव आए हैं। तो वही पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज मृत होने वालों में चंद्रपुर शहर की 56 व 65 वर्षीय महिला, 58 व 76 वर्षीय पुरुष, बाबूपेट का 65 वर्षीय पुरुष, गजानन महाराज चौक परिसर का 36 वर्षीय पुरुष, रहमत नगर का 62 वर्षीय पुरुष, तुकुम का 59 वर्षीय पुरुष, सिस्टर कॉलोनी नगीना बाग परिसर का 55 वर्षीय पुरुष, सिविल लाइन परिसर का 41 वर्षीय पुरुष, तो ब्रह्मपुरी का 50 वर्षीय पुरुष, सरदार पटेल वार्ड वरोरा का 78 वर्षीय पुरुष, वनी यवतमाल का 72 वर्षीय पुरुष, घुघुस का 60 वर्षीय पुरुष, बामनी की 45 वर्षीय महिला, भीसी चिमुर के 45 वर्षीय पुरुष का समावेश है। जिले में अब तक 638 बाधितों की मृत्यु हुई है। इनमें से चंद्रपुर जिले के 588, तेलंगाना 1, बुल्डाना 1, गढ़चिरौली 22, यवतमाल 21, भंडारा 3, गोंदिया 1 और वर्धा के 1 बाधित का समावेश है। आज बाधिताएं 1425 मरीजों में चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 445, चंद्रपुर तहसील 67, बल्लारपुर 104, भद्रावती 102, ब्रह्मपुर 133, नागभीड़ 42, सिंदेवाही 43, मूल 65, सावली 23, कोम्भूना 3, गोंडपिपरी 21, राजूरा 59, चिमूर 41, वरोरा 207, कोरपना 40, ज्योति 16, वन्य स्थान के 14 मरीजों का समावेश है। नागरिकों ने कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ इस मानसिकता से बाहर आए। नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोए और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इस त्रिसूत्र का नियमित रूप से पालन करें, स्वयं का ध्यान रखें। साथ ही 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों ने नजदीकी कोरोना केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लगाए, वो प्रशासन ने दिए सूचना का पालन करें, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने किया है।